नमस्कार दोस्तों, हमारे आंगनबाड़ी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, आज का खास वीडियो है जो आपके लिए कॉमन केयर के बारे में है। तो आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो हमने कमेंट आया हुआ था कि कॉमन केयर में अभी तक सर्वर आई है या नहीं, तो अभी तक तो सर्वर आई है नहीं है, तो अभी तक सर्वर नहीं आई है। तो चलिए हम फिर भी आपको दिखाते हैं इंस्टॉल करके कि आई है या नहीं है। तो सबसे पहले अपना प्ले स्टोर में कॉमन केयर सर्च मारिए, मारने के बाद आपको इंस्टॉल करना है। तो इस प्रकार से हम कॉमन केयर को हम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो हम इस प्रकार से हम इंस्टॉल करके दिखाते हैं कॉमन केयर को। तो हमारे वीडियो को ध्यान से आप देखते रहिए। तो हम बता दें कि अभी तक सर्वर तो नहीं आई है, फिर भी आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको ऐसे मेरा भी चेक हो जाएगा कि सर्वर आई है या नहीं। तो देखते रहिए हमारे ध्यान से वीडियो। तो यहाँ पे कॉमन केयर LTE आपको यहाँ पे सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस प्रकार से पेज खुलेगी। तो आपको इस प्रकार से पेज खुल लेगी, इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे इंस्टॉल दिया हुआ है, इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। और ये कुछ देर तक समय लेगा कि इस प्रकार से जो अभी घूम रही है, जो ऐप डाउनलोड हो रही है, तो इस प्रकार से थोड़ा समय लेगा। तो आप यहाँ पे देखते रहिए वीडियो को। तो आपको बता दें कि हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और शेयर भी कर दीजिए। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को ध्यान से। तो इस प्रकार से मेरा इंस्टॉल हो चुका है। और बता दें कि अभी तक जो भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे डाउनलोड हो गई, होने के बाद आपको यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह से खुलेगा और यहाँ पे अलाउ करने को लिए मांगेगा आपको। तो क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। जो भी यहाँ पे मैसेज लिखेगी, तो इस प्रकार से आपको अलाउ, यहाँ पे जो भी आपको मैसेज दिखेगी तो आपको क्या करना है, सबको अलाउ करते जाना है जो भी मैसेज यहाँ पर देखेगा। और इस प्रकार से आपको यहाँ पे पेज खुल जाएगा। और यहाँ पे आपको दिया गया है यहाँ पे 3 डॉट, तो यहाँ पे आपको 3 डॉट दिया गया है। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जो यहाँ पे दिया है ऑफलाइन इंस्टॉलिंग, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऑफलाइन इंस्टॉलिंग पे क्लिक करना है इस तरह से। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जब जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, तो इस प्रकार से आपको पेज खुल के मिलेगी। मिलने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में दिया गया है कि प्लीज़ सेलेक्ट योर CCZ फाइल। तो आपको इस पर आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पे फाइल जो वहाँ पे दिखा रहा है। और इस प्रकार से आपको यहाँ पे जो आपको यहाँ पे फाइल जो दिख रहा है, जो आप मेरा पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखिए कि फाइल आपको इस तरह से आपको मिल जाएगी भर के। उसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे में दिया गया है कि इंस्टॉलिंग, तो आपको क्या करना है, इंस्टॉलिंग पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको ये इंस्टॉल होने लगेगा, ऐसे फाइल अपलोड लेने लगेगा। और आपको क्या करना है कि इसको थोड़ा समय तक के आपको छोड़ देना है। कोई चीज़ आपको कहीं पे क्लिक क्लिक नहीं करना है या कुछ अलग बटन नहीं डालिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको इंस्टॉलिंग लेगा, इस प्रकार से इंस्टॉलिंग ले रहा है, तो हम आपको बता दें कि आपको अगर हमारे चैनल में आप नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए इस तरह से। तो देखते रहिए, यहाँ पे सेटअप स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सेटअप स्टार्ट हो गया। होने के बाद आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे सेटअप सेटिंग अप ऐप, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे सेटअप दिखा रहा है। तो हमारे वीडियो को देखते रहिए ध्यान से। और बता दें कि आपको यहाँ पे इस तरह से आपको अगर लिंक आ जाती है तो या सर्वर आ जाती है, तो आपको क्या करना है कि इसी प्रकार से आपको इंस्टॉल करना होगा। तो अगर आपको यहाँ पे फाइल अगर नहीं मिल रही है, तो हमारे YouTube के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक दे दी जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को। तो हमारे वीडियो में आपको अगर खास दिखे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखिए कि इस प्रकार से आपको खुल जाएगी। और खुलने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन के लिए ऑप्शन यहाँ पे मांग रहा है, आपका यूज़र आईडी और यहाँ पे
तो इस प्रकार से लॉगिन करने के लिए आपको यूजर आईडी पासवर्ड जो गवर्नमेंट दी होगी तो आपको डाल लेना है। तो चलिए हम डाल लेते हैं, आगे से डाल लिए हैं। देखिए हम जैसे ही लॉगिन किए तो इस प्रकार से मेरा खुल के आया है। यहाँ पे लिखा रहा है कि सर्वर तक नहीं पहुँच सका, अपने नेटवर्क कनेक्शन की जाँच करें। तो इस प्रकार से मेरा यहाँ पर शो कर दिया। तो आपको बताए थे फर्स्ट डे में कि अभी तक आपको सर्वर नहीं आई है, तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि इस प्रकार से आपको दिखा दिया है। तो आपको हम बता दें कि जब तक नई सर्वर आती है तब तक आप और सर्वर जब आ जाएगी तो आपको हमारे चैनल के तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इसका आपको हमेशा जो अपडेट आने वाला है तो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे ही आपको ICDS के तरफ से इसको सर्वर सही होगा तो आपको बता दिया जाएगा हमारे YouTube के माध्यम से। तो थैंक यू हमारे YouTube में बने रहने के लिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।